संभल के चंदौसी में सर्व समाज व्यापारी महासंगठन ने फुव्वारा चौक पर निजी हिंदी अंग्रेजी मीडियम कॉन्वेंट स्कूलों के विरोध में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। 7 अप्रैल 2017 को तहसील सभागार में सभी व्यापारिक एवं सामाजिक संगठनों ने एवं निजी स्कूलों के संचालकों की संयुक्त मीटिंग एसडीएम चंदौसी ने बुलाई थी, जिसमें डीआईओएस व बीएसए भी उपस्थित थे, जिसमें एसडीएम ने जो स्कूल संचालकों को आदेश पारित किए थे उनकी स्कूल संचालक धज्जियां उड़ा रहे हैं और पुराने धर्रे पर ही चल रहे हैं। केवल पुराने मदों का नाम बदलकर नए मदों में उतनी ही फीस ली जा रही है। इससे सर्व समाज व्यापारी में रोष है और इसलिए स्कूल संचालकों की लूटपाट से क्षुब्ध होकर सांकेतिक धरने पर बैठने को मजबूर हुआ है। व्यापारी नेताओं ने स्कूल संचालकों को चेतावनी दी है कि अगर अति शीघ्र उन्होंने अपना अड़ियल रवैया न सुधारा तो शीघ्र ही सांकेतिक धरने को आमरण अनशन में परिवर्तित करने को मजबूर होना पड़ेगा। हमारा आंदोलन स्कूलों के खिलाफ पिछले 3-4 सालों से लगातार चल रहा है, पर स्कूल प्रशासन मुंह बना हुआ है। साथ में शासन की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमें योगी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, पर प्रशासन अपने वही पुराने रवैये पे ही है। अभी तक प्रशासन ने अपना रवैया चेंज नहीं कराया। अगर प्रशासन स्कूल में रीएडमिशन फीस और किताबों पे कमीशन पूरी कसम नहीं करता है तो उत्तर प्रदेश उर्दू व्यापार मंडल एक हफ्ते के अंदर उनके कार्यकर्ता आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे। हम निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के खिलाफ पिछले 2 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। इनकी मनमानी नहीं रुक रही। अभिभावकों को प्रदेश सरकार से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लगभग 2 महीने से हम आंदोलन कर रहे हैं और ज्ञापन भी दे रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री जी के संबोधित करते हुए ज्ञापन एसडीएम महोदय को भी दिया। अभी तक हमें ऐसा लगता है कि जो प्रशासनिक खेमा है वो हमारे आंदोलन को हल्का समझ रहा है। हम उनको चेतावनी देते हैं कि ये आंदोलन हल्का नहीं, बहुत आकर्षित भी हो जाएगा और क्या नाम है, इस पुरजोर तरीके से हम आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मरेंगी। प्रशासन को भी हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि हम हल्के नहीं हैं, हमारे साथ में सारे अभिभावक हैं और चंदौसी की जनता है। अभी तक उन्होंने हमारी इसकी सुनवाई नहीं की और शासन प्रशासन ने हमने बार बार मांग की। शासन प्रशासन ने हफ्ते के बाद भी उन्होंने उनके आदेश की अवहेलना करी। जब तक वो हमारी मांगे नहीं मानेंगे हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। पूरी चंदौसी नगर के अभिभावक लोग हमारे साथ हैं और हमारे सारे संगठन हमारे साथ हैं। आप अधिकारियों से मिले तो अधिकारियों ने क्या कहा? अधिकारियों ने आश्वस्त किया, उन्हें कार्रवाई के लिए उन्होंने आश्वस्त किया, उन्होंने कार्रवाई भी की और आदेश दिया कि एनुअल फीस इनकी समाप्त की जाए। लेकिन उन्होंने उनके आदेश की अवहेलना की। उनके खिलाफ ये भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने अधिकारियों के आदेश की भी अवहेलना की है। अब अधिकारी इसमें क्या कर रहे हैं? उन्होंने उनकी अवहेलना की है, अब अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी अधिकारियों से बात हुई है, अगर उन्होंने इसकी सख्ती से कार्रवाई नहीं की तो हम इसके लिए और आंदोलन करेंगे। और जब तक हमारे आंदोलन चलते रहेंगे जब तक अधिकारी इन पर नकेल नहीं कसेंगे और स्कूल संचालक अपनी मनमानी नहीं रोकेंगे।